वो भी क्या इसमें जुड़े, मतलब एक इम्प्रोवाइजेशन कुछ ऐड किया गया? एक्चुअली सब लोग कैरेक्टर में ही है तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं हुई थी. जैसे मैं बोलूं विकी, तो जैसे उसका कैरेक्टर है फ्लर्ट करने का, लड़कियों को छेड़ना, तो वो वैसा ही है, तो उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कैरेक्टर में घुसने के लिए. सेम सरबजीत, संचय का कैरेक्टर ऐसा है, थोड़ा बोंदू टाइप है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो स्मार्ट है. तो बस कैरेक्टर ने, हर एक लोगों ने अपने आप से काफी सारा इम्प्रोवाइज किया. हमने वर्कशॉप किए करीब एक महीना तक, तो वहीं पे हमने काफी सारा इम्प्रोवाइज सब लोगों ने कर दिया था अपने आपके कैरेक्टर को. नहीं, सिचुएशंस भी कुछ एडिशनल डेवलप? हाँ, सिचुएशन काफी हमारी सारी वहां पे बनी थी. जैसे एक सीन है जब सुरेश लड़की देखने जा रहा है, और वहां पे जो उसके पेरेंट्स है वो बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली लड़कियों के पीछे घूम रहा है, लेकिन अपने फ्रेंड्स को शिकायत कर रहा है कि मुझे लड़की देखने नहीं जाना. तो वहां पे फ्रेंड्स बोलते हैं क्यों नहीं जाना रे, तो सुरेश उसका डिस्क्रिप्शन देता है, यार उसकी माँ के चार दांत बाहर है, उसका बाप डामर जितना काला है, अभी ऐसे माँ बाप की बेटी कैसी होगी. तो ये सब चीजें हो रही है. और फिर वहां जब हम शूट, वो सीन जब शूट कर रहे थे, तो मम्मी के जो दांत थे नकली दांत थे, और बारी बारी से वो निकल जाते थे, तो वो सेट पे भी हमने काफी, वो सिचुएशन पे भी काफी हमें हंसी आ रही थी, उसके माँ के दांत बाहर निकल रहे थे. और वहां खैर जाके पता चल रहा है कि अच्छा, लड़की तो एकदम अच्छी सी प्यारी सी एक निकल गई है बाहर. ये सब एक्टर्स का डेब्यू है या गुजराती के कुछ लोग आपने इसमें भी रखे हैं? हाँ, गुजराती एक फिल्म की है यश ने और किंजल ने, तो ये दोनों ने एक फिल्म की है, और बाकी सारे की डेब्यू फिल्म है. थैंक यू. केडी सर, आपने जो टैगलाइन लगाया कि योर राइट योर लेफ्ट सॉरी ओके, हाँ, आपने लिखा है कि कम अप द योर बेस्ट फ्रेंड, क्या था थीम बेसिकली जो आपके बेस्ट फ्रेंड को साथ में लिखाना है इसमें? सॉरी आपने लिखा था कि इन्विटेशन में लिखा है कि कम अप द योर बेस्ट फ्रेंड फॉर दिस इवेंट, और एक्चुअली वो पीआर वाले ने, सॉरी मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, वो भी प्रैंक था. बट डू यू थिंक इट्स अ नाइट कॉन्सेप्ट, बिकॉज हम लोग नॉर्मली इस तरह से नहीं दिखता है, थोड़ी थिंक फॉर दैट. सर आपकी आवाज वापिस बोलेंगे, सॉरी. क्या आपको लगता नहीं कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत कम दिखाई देते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए फिल्म बनाई है सर. बिल्कुल. ओके, थैंक यू. नए कलाकारों में सबसे अच्छी बात यह होती है, और उसकी वजह से भी मैं नए कलाकारों को लेता रहा हूं, कि वो बहुत रियल लगते हैं, वो कैरेक्टर लगते हैं जो राइटर्स ने लिखे हों. और क्योंकि उसके कोई पीछे की इमेज नहीं होती, कोई पीछे का बैगेज नहीं होता जो स्टार्स के पीछे होता है, तो जो भी वो करते हैं वो एक खिले हुए फूल की तरह, एक मुस्कुराहट लिए हुए, एक बहुत एंड्योरिंग कैरेक्टर्स बनते हैं. अगर कहानी अच्छी हो और स्क्रिप्ट अच्छा हो और म्यूजिक अच्छा हो, तो यही कैरेक्टर जो है अपने में एक सितारा लेकर आते हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ न्यू कमर्स, व्हेन यू प्रेजेंट देम ब्यूटीफुली ऑन द स्क्रीन, आई एम श्योर ही मस्ट हैव डन इट, एंड दैट्स व्हाई आई फील दैट दिस पिक्चर इज हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉमिस टू प्लीज द ऑडियंस एंड ब्रिंग समथिंग न्यू ऑन द टेबल. एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, माय ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. हम लोग अच्छे नाम के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, और उस टाइम पे केडी केम आउट के तफरी नाम रखते हैं, और फिर लगा कि तफरी कुछ अधूरा सा लग रहा है, इसीलिए हमने ये आगे टैगलाइन लगाई है कि डेज ऑफ तफरी. तो हर एक की जिंदगी में एक मोमेंट ऐसी आती है हर एक की लाइफ में, कॉलेज में, स्कूल में, तो इसीलिए हमने ये लगाया. और पहले मैं कन्विंस नहीं था ये नाम से, क्योंकि मैं भी गुजरात से हूं तो ये तफरी के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर पता चला कि इसका मीनिंग क्या है, कितना ब्यूटीफुल मीनिंग है.
और लाइफ में हर एक ने ये तफरी के समय में जिए हैं, तो इसीलिए हमने ये फिर नाम सिलेक्ट किया। लिविंग माई मॉडेस्टी स्टाइल, आजकल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमारी तरह सोचते हैं। सुभाष सर, ऐसा नहीं कि अभी बिजनेस रिस्क बहुत बढ़ गया है, बिजनेस मॉडल्स चेंज हो गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, टाइम चेंज हो गया है, इसी तो यू नीड टू हैव ए गुड स्क्रिप्ट ऑल द टाइम। बल्कि जितना न्यू कमर लेंगे स्क्रिप्ट की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है, ये पहले भी था और अभी भी है, उसे ये कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो ये है कि अब जितना श्रेय होगा वो राइटर और डायरेक्टर को जाएगा, और हिट हो गई तो फिर ये बाद में ये स्टार बन जाएंगे। सुभाष सर, आजकल कई सारी फिल्मों के रिमिक्स आ रहे हैं, ओ भैया मेरे ख्याल में अब तफरी के बारे में पूछो तो तफरी का भी रीमेक होगा। डोंट वरी सर, आपकी फिल्म राम लखन का भी रीमेक आने वाला है, तो हुम डू यू फील फ्रॉम बॉलीवुड विल बी फिट फॉर राम लखन? राम लखन में कोई तफरी की बात नहीं की गई, वो भी एक तफरी था। वो हिंदी में क्यों है? Why is this for हिंदी? It's designer choice. मुझे देख के अच्छा लगा, ओके ठीक है। फिर आनंद सर को अच्छा लगा, रश्मि मैडम को अच्छा लगा, ठीक। यस बहुत बहुत फिल्म की कास्टिंग करीब 2 महीने तक चली थी, और हमने करीब 600-700 करीब ऑडिशन लिए थे, काफी सारे लड़के लड़के आए थे, तो उनमें से ये लोग आए हैं उन सबको पीछे डालते हुए, तो मेरे ख्याल से ये सब लोग बेस्ट है। वो फिल्म देख के आपको पता चलेगा। 23 तारीख को पता चल जाएगा। 23 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, आप सबका तफरी मोमेंट कोई कॉलेज डे का, एक एक मोमेंट बताइए सब लोग आप। एक एक मोमेंट बताएंगे ना तो शाम हो जाएगी। इनके मोमेंट बहुत लंबे होते हैं, वैसे नहीं होता है हैप्पी ब्रिलियंट ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले। ये मूवमेंट बहुत इनके बड़े बड़े लंबे लंबे हैं, आराम से इनसे इंडिविजुअल इंटरव्यू लीजिए और इंडिविजुअल इनको आर्टिकल दीजिए, फिर बताएंगे आपको। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड वी ऑल लव्ड द ट्रेलर सर, यही बोलना चाहेंगे, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द म्यूजिक और तोड़ फोड़ होने वाला है, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच, एंड बिफोर वी रैप अप द आफ्टरनून।